नमस्कार, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम बिल्कुल बढ़े जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं और ऐसे कई सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं या फिर Facebook पेज या Instagram पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल VS Astrology की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेर सारे लगातार पंक्तिबद्ध और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैंने वीडियोज जो हैं वो अरेंज किए हैं, मैंने खुद आपके लिए बनाए हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सारे वीडियोस कतारबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। निसंदेह ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है, अनंत काल तक मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। इतनी बड़ी उम्र तो नहीं है लेकिन यदि बनाते भी रहूंगा तो भी ये वीडियोज, ये सीरीज, ये ज्योतिष सिखाना कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, फिर भी अभी फिलहाल तात्कालिक तौर पर एक सीरीज में हम चल रहे हैं और उस सीरीज का नाम है बदनाम युतियों के सकारात्मक फल। बदनाम युतियों, देखिए यदि आप इस सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो आपको पता है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। नहीं देख रहे तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो युतियां बदनाम होती है, जैसे शनि मंगल, सूर्य केतु, सूर्य राहु, गुरु राहु, चंडाल योग, मंगल राहु, अंगारक योग, पितृ दोष, चंद्र केतु, ग्रहण योग, तो ये जो युतियां बदनाम होती हैं, क्या सचमुच में इनके अपने नाम के आधार पर ही खराब फल मिलते हैं या फिर इनके अच्छे फल भी मिल सकते हैं? तो चूंकि सीरीज का नाम है बदनाम युति, भाई युति का मतलब कंजंक्शन, प्लैनेट्स का साथ में आकर के बैठना, तो जो युतियां, जो कंजंक्शन बदनाम है उनके भी सकारात्मक फल हमें देखने को मिलते हैं वो इस सीरीज के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और ऑलरेडी कई सारी युतियां, कई सारे कंजंक्शन के बारे में बता चुका हूं। आज हम बात कर रहे हैं शनि मंगल के बारे में, जिसे सामान्यतः संघर्ष योग का नाम भी दे दिया जाता है। यदि किसी की कुंडली में शनि मंगल कहीं कोई देख लेते हैं, मेरे पास कई सारे ऐसे भाई बहन दोस्त क्लाइंट्स बन के आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर हमारी कुंडली में शनि मंगल का युति है और शनि मंगल का युति है तो ये बताता है कि भाई हमारे जीवन में आगे संघर्ष रहेगा, या हमारे बच्चे की कुंडली में शनि मंगल का युति है ये बताता है कि इसके जीवन में संघर्ष रहेगा, हम बड़े चिंतित हैं, या हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा है और शनि मंगल का युति है इसी वजह से चल रहा है, हमें तो पता ही ये बात। ऐसे कई बार मुझसे प्रश्न किए जाते हैं या बता भी दिया जाता है कि भाई ये वजह है, इसका क्या उपाय किया जाए। जब मैं एनालिसिस करता हूं तो अधिकतर ये पाता हूं कि शनि मंगल संघर्ष योग देती ही नहीं है, अधिकतर कह रहा हूं मैं, कई जगहों पर हो भी सकता है। तो हाँ, शनि मंगल का युति कुंडली में बदनाम जरूर है लेकिन इसके सकारात्मक फल क्या देखने को मिलेंगे वो अभी हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर मकर लगन के कैप्रिकॉर्न असेंडेंट एक चार्ट, एक कुंडली बनाई है। निसंदेह भाई मकर लगन है, 10 नंबर लगन पर लिखा हुआ है, शनिदेव का लगन है, शनिदेव की राशि मकर है तो कुंडली के मालिक तो शनिदेव ही होंगे, तो आप शनि लग्नेश हो गए। आप शनिदेव लग्नेश भी हो गए, धनेश भी हो गए, भाई धन भाव पर 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि, लग्नेश धनेश दोनों ही शनि हो गए। अब यहां पर ये समझते हैं कि मंगल कौन है, तो मंगल जो है भाई एक नंबर यहां लिखा हुआ है तो एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि के स्वामी मंगल, 8 नंबर यहां लिखा हुआ है, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, इसके स्वामी मंगल, तो मंगल कौन हो गए, सुखे भाई, इसको सुख भाव बोलते हैं ना, भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, तो भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है चतुर्थ स्थान, तो सुखेश मंगल को कह सकते हैं, सुखेश, सुख भाव के स्वामी सुखेश, या लाभ भाव होता है 11th हाउस जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, इसे लाभेश, तो मंगल को लाभेश और सुखेश कह सकते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, सुख देने वाला सुखेश, लाभ देने वाला लाभेश। तो आप कहेंगे बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जो मेरा लाभ देने वाला है, लाभेश है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो मुझे सुख देने वाला है, सुखेश है, मैं कहूंगा मंगल है इस कुंडली में, इस कुंडली के लिए, मकर लगन की कुंडली के लिए, और लग्नेश तो लग्नेश है, धनेश तो धनेश है,
उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर यदि शनि और मंगल साथ में आकर के बैठते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? देखिए, मैंने रैंडमली यहां पर शनि और मंगल देव को बैठा दिया, हो सकता कहीं और भी बैठे होते। तो यहां पर शनि और मंगल को मैंने उदाहरण के तौर पर बैठा दिया। लॉजिक समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लग्नेश सुख स्थान पर आकर के बैठे हुए, लग्नेश, अब मैं शनि की बात नहीं करता हूं, मैं तात्कालिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं लग्नेश की। भाई ठीक है, शनिदेव लग्नेश है, लेकिन फिर भी लग्नेश जो बैठे सुख स्थान पर, इसका मतलब सीधे से ये हो जाता है, लग्नेश क्या है? लग्नेश आप खुद हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी किस्मत है। तो आप खुद सुख स्थान पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या? जीवन भर भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, ये भौतिक सुख सुविधाओं की बात हो रही है, मानसिक सुख की बात नहीं हो रही, मानसिक सुख अलग विषय है। तो जीवन भर भौतिक सुख सुविधाएं जो है वो मिलती रहेंगी यदि लग्नेश सुख स्थान पर बैठे। वहीं पर साथ में मंगल देव आकर के बैठ गए। मंगल तो स्वराशि है ही, तो सुखेश तो सुख स्थान पर है ही, और यदि सुखेश सुख स्थान पर किसी कुंडली में बैठता है तो ये तो दावा है इस बात का, बहुत छोटी सी बात है कि इंसान को जीवन में सुख सुविधाएं मिलना ही है। यहाँ पर लाभेश भी मंगल है तो लाभेश लाभ भी मिलेगा यदि लग्नेश के साथ लाभेश बैठे हुए हैं तो। हाँ, लग्नेश के साथ, अच्छा लग्नेश और सुखेश को छोड़ देते हैं, धनेश और लाभेश की बात करते हैं। भाई धनेश मतलब दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं, ग्यारहवें भाव के स्वामी को लाभेश कहते हैं, दूसरे भाव के स्वामी को कौन हो गए? शनि। ग्यारहवें भाव के स्वामी कौन हो गए? मंगल। तो धनेश प्लस लाभेश यहाँ बैठे हैं, धनेश प्लस लाभेश ये बैठे हुए हैं। तो धनेश और लाभेश का बैठना तो एक प्रकार से धन योग, बहुत ही खूबसूरत धन योग का निर्माण करता है। तो आप क्या समझे यहां पर मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं? यहां पर मैं बात कर रहा हूं धन की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं लाभ की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं भौतिक सुख जैसे मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन या फिर महंगी वस्तुओं की, उनसे मिलने वाले महंगी वस्तुओं से मिलने वाले सुख की। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यदि लग्नेश और सुखेश, लग्नेश और लाभेश, धनेश और सुखेश, धनेश और लाभेश साथ में बैठेंगे तो जातक को जीवन भर भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है, ये बात तय हो गई, तय हो गई। अब देखिए, अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई शनि महाराज को मैंने यहाँ बैठा है एक नंबर मेष राशि में, तो शनिदेव नीच राशि स्थित हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जानबूझकर मैंने यहाँ पर बैठाया, तो उनके साथ मंगल भी हैं, यदि डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन है तो यहाँ पर शनिदेव का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लग्नेश का नीच भंग राजयोग बन गया, अब भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लग्नेश के द्वारा नीच भंग राजयोग बन गया, मंगल स्वराशि बैठे हुए हैं, एक योग है जिसे कहते हैं पंच महापुरुष योग, उसमें मंगल आकर के बैठ जाएंगे। लग्न भाई केंद्र के मालिक स्वराशि आकर के यदि बैठ जाते हैं, केंद्र में ही आकर के बैठ जाते हैं, तो ये एक प्रकार का पंच महापुरुष योग होता है। मंगल के द्वारा भी पंच महापुरुष योग बनेगा। तो मंगल ने शनिदेव का नीच भंग राजयोग कर दिया, मंगल ने स्वयं का पंच महापुरुष योग कर दिया। इतनी सारी खूबसूरत बातें धनेश लाभेश लग्नेश की तो सब मैंने आपको बता ही दी, अब बताइए इससे खूबसूरत बात और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं किसी को क्या कह सकता हूं? यदि किसी को मैं मुझे तारीफ करना है भविष्य को लेकर के, तो इससे अच्छी अच्छी बातें और क्या कहूंगा? बेस्ट बात कह रहा हूँ भाई, किसी को भी मैं बोलूंगा कि ऐसी स्थितियां हैं आपकी कुंडली में तो खुशी होगा ना वो, या होगी, बस वही बात है। हाँ मैं मानता हूं कि धन ही सब कुछ नहीं है जीवन में, भौतिक सुख सुविधा भी सब कुछ नहीं है, परिवार भी अब बहुत मायने रखता है, आपका फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ भी बहुत मायने रखता है, वो मायने रखता है, लेकिन केवल दो ही ग्रहों से आप सारी चीजें तो नहीं देख लेंगे। हाँ तो वो कुछ फायदा दे ही रहा है तो उसे तो देखना पड़ेगा, बाकी फिर दूसरी तरह से अलग तरह से दूसरी और चीजों को देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फायदा दे रहा है उस फायदे को तो गिने हम, यदि हमने अच्छा अब यहाँ पर मान लीजिए केवल मैं ब्लैंक हूँ, हाँ वो जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी तरह से यदि थिंकिंग में करूँ तो क्या देखूंगा? शनि मंगल, अरे बाबा शनि मंगल आ गए यहाँ पर, आपको जीवन भर संघर्ष जीवन में बनने वाला है, जो भी काम करेंगे आप जो है वो परेशान ही रहेंगे। शनिदेव नीच राशि स्थित हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता आपका, अब वो नीच राशि स्थित हो गए, नीच भंग राजयोग बन गए, मालूम ही नहीं है। हाँ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होना जरूरी है, शर्त का ध्यान रखिएगा, लेकिन नीच भंग राजयोग पंच महापुरुष योग धनेश लाभेश, अच्छा उन्होंने केवल शनि मंगल को देखा, धनेश लाभेश लग्नेश सुखेश को देखा ही नहीं, तो नजरिया ये भी तो होना चाहिए ना, केवल शनि मंगल को देख करके ही मैं शुरुआत कर दूं
अच्छा, क्या हमेशा ही शनि मंगल फिर अच्छे ही फल देंगे, बस अच्छा ही अच्छा? देखो नहीं, अच्छा नहीं, देखो शनि और मंगल जब किसी की कुंडली में होते हैं ना साथ में, तो एक एक गुस्सा, एक क्रोध या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान का होना ऐसा हो जाता है कई बार, मानसिक तौर पर ना जल्दी से शांति नहीं मिलती। ये भी हो सकता है यहाँ पर कि शनि और मंगल साथ में बैठे हैं, इंसान बहुत सुख लेगा, भौतिक सुख सुविधा लेगा, लाभ कमाएगा, धन कमाएगा। अब ज्यादातर लाभ और धन यदि बहुत जल्दी से कमाया जाए तो टेंशन ज्यादा लेना पड़ेगा, मानते कि नहीं आप? यदि कोई जीरो से हीरो बन रहा है और बहुत जल्दी बन रहा है तो टेंशन ज्यादा लेना पड़ेगा, भागदौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसा ही होता है। तो हो सकता है कि इंसान जो चिड़चिड़ा हो जाए, गुस्से हो जाए, हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाए, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है यहाँ पर। तो वो मैंने कहा ना, वो एक अलग विषय है, उसको भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई और तौर उसका मिल जाए कुंडली में दूसरे ग्रहों की वजह से, लेकिन फिर भी तोड़ मिले ना मिले वो एक नेगेटिविटी है। हाँ ठीक है, लेकिन उसको ही देखेंगे, नेगेटिविटीज को ही देखेंगे, पॉजिटिविटीज को नहीं देखेंगे। तो इस युति को, इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य यही है कि जितनी नकारात्मकताएं फैल चुकी हैं, खास तौर पर अभी ये जो 2 साल में कोरोना के वक्त में जितनी नकारात्मकताएं फैली हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखी होंगी अपनी लाइफ में, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक, चाहे पारिवारिक, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से, सारे विषयों में कई सारे लोग, अधिकतर लोग अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश नेगेटिव हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि नेगेटिविटीज में से भी पॉजिटिविटीज को किस प्रकार से निकाला जाए, तो ऐसे कुछ सीरीज बनाया जाए। तो मेरा इस सीरीज को बनाने का ये उद्देश्य है। अब शनि मंगल मैंने यहाँ पर बैठा है, हो सकता था शनि मंगल कहीं और बैठे होते, हो सकता था कोई दूसरा लग्न होता, अब हो सकता था। अब देखिए, मैं फिर ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई बृहस्पति थी मारक ग्रह, कहीं खराब जाकर के बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए, तो ऑब्वियसली खराब ही फल देना है उन्होंने। भाई बृहस्पति भी यदि खराब बैठेंगे, कहीं खराब मारक हो जाएंगे तो खराब ही फल देंगे, तो शनि मंगल भी यदि किसी कुंडली में मारक हो जाएंगे तो खराब ही फल देंगे। ऐसा नहीं है कि शनि और मंगल हमेशा ही अच्छे फल देंगे या शनि मंगल हमेशा ही खराब फल देंगे। तो बस यही है कि इस युति को बदनाम न किया जाए, हमेशा ही ये युति खराब फल देती है ऐसा नहीं है। यदि ये युति खराब फल देती है, इसको बदनाम करें तो गुरुदेव बृहस्पति देव को भी बदनाम कर दो, क्योंकि कई कई बार तो वो भी खराब फल देते हैं किसी किसी कुंडली में, तो नहीं ना, नहीं बदनाम कर सकते ना। उसकी वजह ये है कि भाई कई जगहों पर अच्छे फल भी मिलते हैं, वैसे इस युति के कई जगहों पर अच्छे फल भी मिलते हैं, कई जगहों पर खराब फल भी मिलते हैं। अब वो जगह बहुत सारी हो सकती है जहाँ अच्छे और खराब फल, अब सोचिए कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक की कुंडलियां, उसमें 12 भाव, हाँ, तो मेरा आपको समझाने का, वो सारी प्रोबेबिलिटीज तो आज के इस वीडियो में मैं डाल नहीं सकता हूँ, अदरवाइज कई सारे दिनों तक ये जो है सीरीज चलता रहेगा, 4-5-6 महीनों तक चलता रहेगा ये वाला सीरीज, और वो भी केवल शनि मंगल के नाम पर। तो उतना तो लंबा अपन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अच्छा, फिर भी आपको मैं एक बात और समझा दूँ, बता दूँ, यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं ना, यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई सा ग्रह कोई से भाव में किसी नंबर किसी राशि के साथ क्या फल देगा, आप कुछ भी रैंडमली बोल दीजिए। भाई मान लीजिए शुक्र देव जो है वो कुंभ लग्न की कुंडली में 7वें स्थान पर क्या फल देंगे, आप बोल दीजिए शनि देव जो है वो मेष लग्न की कुंडली में 1वें स्थान पर क्या फल देंगे। ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना, ऐसे सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर। तो सारे 9 ग्रह लग्न कुंडली के 12 भाव में सारे कैसे फल देंगे, ये सारे आपको विस्तार से मैंने समझाए, यदि आप उस वीडियोस को देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूं, नमस्कार।